नमस्कार दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है मैं हूं प्रिया आ, नमस्कार एमपी देख रहे हैं सजीव ओन इन प्रोग्राम है दरअसल यानी 12 बजे से 1 बजे तक हम कंटिन्यू लाइव रहने वाले हैं फ़ोन नंबर आप सभी को रट गए होंगे रिकॉल करवाऊंगी सबसे पहले क्योंकि आप 12 बजे से 1 बजे तक जो मैं आपको विषय बताऊंगी उस विषय से जुड़कर हमारे अतिथियों से बात कर सकेंगे तो स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है मैं भी आपको बता देती हूँ शून्य सात पाँच पाँच दो छः छः शून्य शून्य चार नौ टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन शून्य शून्य चार शून्य ये तो होगा हमारे फ़ोन नंबर्स सबसे पहले तो ये चर्चा करनी बेहद ज़रूरी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है यानी प्रकाश के बिना जिंदगी कैसी होगी कल्पना अकल्पनीय है, है ये बात मुझे ऐसा लगता है तो उसके महत्व को समझते हुए प्रौद्योगिक स्तर पर इस महत्व को समझते हुए हर साल सोला मई को आज की तारीख है इस दिवस को मनाया जाता है तो और क्या क्या चीजें होंगी ये भी बताती चली जाऊंगी लेकिन परंपरा ये कहती है कि सबसे पहले मैं आपको आज की तिथि बता दू आज की तिथि है कृष्ण पक्ष सोला जून दो हजार 2023 दिन है मंगलवार और इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो यही कामना करती हो क्योंकि तेज भीषण चिलचिलाती हुई धूप गर्मी पड़ रही है तो अपना ध्यान रखिएगा चलिए अब चाहे कैसा भी मौसम हो मन में तो पॉजिटिविटी लानी ही पड़ती है ना यही कारण है कि आपको सुविचार भी बताते हैं तो आज के दिन का विचार क्या कहता है बताएं विचार कह रहा है मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रखने से फासले हो जाते हैं तो जिंदगी में ये हुनर भी अजवाना चाहिए जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए बहुत ज़रूरी होते हैं ना फैसले लेना क्योंकि फासलों से तो ज़िंदगी अपनों के साथ ही अच्छी होती है इसको दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरह अब चूंकि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं इसके साथ साथ आज की तारीख में और कौन कौन सी ख़ास चीज़ें हैं किस दिवस को मनाया जाता है किसके लिए क्या दिन खास रहा था आज की तारीख में आइए बताते हैं आज के इतिहास के साथ इतिहास कह रहा है सबसे पहले उन्नीस की हम बात करेंगे कलकत्ता जिसे अब कोलकाता कहा जाता है यहां बने तल्लाह वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ था आज के दिन और इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवर हेड वाटर टैंक कहा गया था बात करेंगे 1960 की भारत और ब्रिटेन के बीच अंतरराष्ट्रीय टैलेक्स सेवा की शुरुआत भी की गई थी तस्वीर हम आपको बताते चले जा रहे हैं रिलेटेड अब हम बात करेंगे 1975 साल दिन यही 16 मई आज ही के दिन सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था अब बात कर लेते हैं 1996 की बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के दसवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी चर्चित कवि भी हैं आपको बताएं इतनी खूबसूरत बात वो कहा करते थे उनके चेहरे भी एक्सप्रेशन दिए हुए होते थे जैसा इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं एक खूबसूरत सी लाइन की निरक्षरता का और निर्धनता का बड़ा गहरा संबंध है चलिए दो की भी बात करेंगे टेनिस खिलाड़ी रोज़र फेडरर ने हेम्बर्ग मास्टर्स खिताब जीता आपको बताएं वो क्या मानते थे रोजर कहा करते थे कि जब आप जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो आप वास्तव में उसे छोड़ना नहीं चाहते और मेरे लिए ये टेनिस है ये बात कही थी इस वक्त इस स्क्रीन पर नजर आ रहे रोजर ने तो ये तो था आज का इतिहास अब हम आपको बताएंगे कि किस विषय पर हम पूरे समय बात करने वाले हैं और हमारे साथ इस विषय से जुड़े हुए कौन कौन से अतिथि हैं तो आज हम दो महत्वपूर्ण जो शब्द पर्यटन और पर्यावरण आपने कभी सुना है कि जंगल को बनाया जाता है इसे बनाने का श्रेय कुछ खास लोगों को जाता है उनमें से एक खास व्यक्तित्व इस वक्त हमारे साथ नमस्कार एमपी के स्टूडियो में मौजूद है चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर तन्मय जैन इनका नाम है इन्हें जंगल विशेषज्ञ कहा जाता है और इनसे हम बात करेंगे हरी भरी व कितना खूबसूरत कितनी खूबसूरत लाइन और इसके बाद तो आप मुझे लगता है कि स्क्रीन पर गुनगुनाने भी लगे होंगे तन्मय जी के बारे में ये फाउंडर भी है राम आस्था मिशन के और इसके अलावा इनकी बहुत बड़ी प्रोफाइल है मैं इस पर चर्चा करती जाऊंगी लेकिन अगले अतिथि का भी हम स्वागत कर लेते हैं साथ में आ, आपको बता दूं कि कभी आप अकेले घूमने के लिए गए हैं बहुत खूबसूरत वो समय होता है जब हम अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन जब उसके साथ किसी उद्देश्य को जोड़ दिया जाता है तो क्या परिवर्तन आता है ये बताएंगी नम्रता नागर हमारे साथ सोलो ट्रेवलर महिला एक कल यात्री जुड़ी हुई हैं और आपको बता दें कि ये संस्कृति से मिलो अकेला चलो <laughs> इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगी तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का तन्मय जी नम्रता जी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते ही हैं क्योंकि विषय जुड़ रहे हैं आप दोनों से आप मुझे अच्छी तरह याद है जब चर्चा हो रही थी तो आपने बताया था कि आपने देश में ही नहीं दुनिया में ये कले यात्राएं की हैं इस पर भी आपसे चर्चा करने वाली हूँ मैं तो सबसे पहले मुझे लगता है तन्मा जी आपसे जान लेती थी चूंकि मैं बता रही थी दर्शकों को कि फर्विट क्लब क्यूरेटर है सात सौ तेरह मैराथन इन इंडिया टिल नाउ मतलब अभी तक जितनी भी मैराथन हुई है मैं चाहूंगी कि क्या ये सारी बातें आप दर्शकों को बताएं हाँ जी हाँ जी जरूर नमस्कार तो आ, अलग अलग विषयों पे हम लोगों ने अब तक काम किया जैसे जैसे आ, एक युवा को अलग अलग विषयों में रुचि दिखाई पड़ती है वो हमारा भी समय रहा 2001 के बाद से लेकर अब तक 2023 हम में है हमने देश में अलग अलग तरह के अलग अलग नए आ, विकल्पों पर काम किया किस तरह से युवा आ, कन्फ्यूज़ होता है और फिर अलग अलग रास्ते चुनता है तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप हमें कह सकते हैं पर आई एन्जॉयड इट हमने इसको बड़ा uh, uh, क्या कहते हैं uh, इसको जिया है तो जब जब हम जंगल जाते थे जब जब हम ट्रैकिंग पे जाते थे तब हमें ऐसा लगता था कि ये जंगल अगर नहीं होंगे तो क्या होगा हाँ। और इस विषय पर हमें काम करने का मौका सन 2006 से मिलता गया हाँ। हमने देश के अलग अलग हिस्सों में अर्बन फॉरेस्टेशन शहरी जंगल बनाने का काम शुरू किया ये एक छोटा सा जंगल नुमा इलाका होता है दस हज़ार वर्ग फुट जगह पर लगभग हाँ। साढ़े तीन हज़ार पेड़ लगाए जाते हैं हाँ। यह अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं अलग अलग वनस्पति होती है सिर्फ इनको आप पेड़ नहीं कह सकते इसमें अब छः तरह के पेड़ हम इनको कैटेगराइज करते हैं हाँ। हर्ब्स शर्ब्स ट्रीज कैनोपीज क्रीपर्स एंड ट्यूमर्स तो जिस तरह से आप जंगल जाते हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ पेड़ नहीं दिखते झाड़ी भी दिखती है कटीली झाड़ी भी दिखती है फल भी दिखता है फूल भी दिखता है कुछ बेलें भी दिखती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़मीन धरती के नीचे उग रही होती हैं जिन पर जमीन के नीचे रहने वाले प्राणी निर्भर होते हैं तो पूरे जंगल का निर्माण इस तरह से होता है और यह एक बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को बनाने का एक तरीका है जिस गति से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है जिस गति से डेवलपमेंट के कारण हजारों लाखों पेड़ तबाह हाँ। होते हैं या हाँ। काट दिए जाते हैं हम देख भी रहे हैं कितनी सुंदर तस्वीर तन्मय जी कि मतलब जिस हरी भरी वसुंधरा की हम बात कर रहे हैं ये हरियाली जो नजर आ रही है बिल्कुल चरितार्थ होती है लाइन इन तस्वीरों से कहां कहां की हैं ये तस्वीरें यह तस्वीरें लगभग पूरे भारत हरी भरे वन की तरफ आप नजर आ रहे हैं कहाँ का है ये कौन सा फॉरेस्ट ये गांधी सागर वाला इलाका है जी। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर को कनेक्ट करता है ये अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये लद्दाख की है जी। आ, तो हमने लद्दाख से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इधर गुजरात से लेकर लगभग सभी पूर्वी राज्यों में जंगलों के निर्माण किए हैं ये ग्रीन वॉल आपको दिख रही है जिसके हाँ, भीतर हाँ, आप झाँक भी नहीं पाएंगे यह जंगल बनाए जाते हैं ये जंगल निर्माण किए जाते हैं इनका एक छोटा सा तरीका है जो रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ही सिंपल सा तरीका है हाँ। और हमें बहुत खुशी होती है लोगों को इस तरीके के बारे में बताकर भी और उनके इलाकों में जाकर ऐसे जंगलों का निर्माण करने में उनकी सहायता करने में भी तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही हम पूरे विश्व में इस बात को और भली भांति पहुँचा पाएंगे कि कैसे ये जंगल बनते हैं कैसे इनका निर्माण किया जा सकता है और कैसे ये बहुत ही सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिफाइड फॉरेस्ट है जी बिल्कुल मैं इस पर ज़रूर चर्चा करूंगी पहले मैं नम्रता से एक सवाल रख लेती हूँ नम्रता जैसे महिला एकल एक यात्री जब एक तो आज के समय में अगर ये सोचना हो कि मुझे जाना है वहाँ और अकेले तो लोगों को लगता है बोर हो जाएगा किसी को साथ लेते चलते हैं चाहे मैं छोटे से शॉपिंग मॉल में जाने की बात करूँ फिर आप तो पूरे देश को घूमती हैं या फिर सफ़र की बात करूँ जो चार पाँच घंटे से भी ज़्यादा लंबा सफ़र होता है सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि कब से हैं आप महिला एकल यात्री नमस्कार दर्शन सभी दो दर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार बहुत अच्छा सवाल है आपका पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी जैसे आपने पूछा कि आप मॉल भी जाते हैं तो हम किसी <laughs> को ढूंढते हैं हमें कहीं आइसक्रीम खाने भी जाना है तो हम किसी साथी संगी को ढूंढते हैं तो मेरा उस पर ये कहना है कि जो हमारी संगति होती है वो हमारी आदत हो जाती है hmm. तो हमें एक आदत सी हो जाती है कि हमें जहाँ जाना है उन्हीं के साथ जाना है क्योंकि मैं देश भ्रमण की बात कर रही हूँ और हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस भारत देश के वासी हैं जो इतनी संस तो संस्कृतियों से भरा पड़ा है कि हम शायद एक जीवन में तो देख ही नहीं सकते तो उसके लिए अब आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई आए और वो आपको लेकर जाए अगर आप देखना चाहते हैं इस देश को जीना चाहते हैं तो आपको निकलना होगा इतना मुश्किल भी नहीं है <laughs> <laughs> क्या प्रतिक्रिया रही होगी परिवार की जब आपने कहा कि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ यहाँ तक कि आपने तो एजुकेशन भी इसी क्षेत्र में ली है जी नहीं वो होता है कि जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं ना वो ही हमें उस तरफ रुझान हमारा जाता है तो आप इसे भाग्यवश दुर्भाग्यवश कह लें कि जो बचपन था मेरा वो बहुत अस्थिर था आप बात करते करते हमारे इन तस्वीरों के बारे में भी जरूर जुड़ते चले जाइएगा जो मेरा बचपन था वो बहुत अस्थिर था मतलब मैं कभी एक शहर एक स्कूल में नहीं पढ़ी तो वो बारहवीं तक मुझ पर बहुत हावी हो रहा था इसलिए मैंने निर्णय लिया कि नहीं जो मेरा माइनस पॉइंट है उसे मुझे अपना प्लस पॉइंट प्लस बनाना है और फिर मैंने इसीलिए घर पे बात की तो बहुत खुश हुए <laughs> क्योंकि उन्हें पता था कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपने ले ही ली है आप देखें ये सब लद्दाख की तस्वीरें हैं हाँ लद्दाख में क्योंकि मैं जो एकल यात्री होते हैं तो वो ब्लैक पैकर्स होते हैं ठीक है हमें लोकल ट्रांसपोर्ट और इन सब पे यात्रा करनी होती है तो जो लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही, यहां है यहाँ थोड़ी सी चुनौतियाँ इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि बहुत इतना आसान नहीं है आपको प्रॉपर ये अंडमान निकोबार का रॉस आइलैंड है आप देखिए अंग्रेजों ने यहाँ एक द्वीप पे हिरणों को पाला था अच्छा? वो आज तक यहाँ पर है क्या बात है जी वो निकल ही नहीं सकते तो वो आपके साथ, साथ में ही रहते हैं आप वहाँ जाएंगे तो आराम से उनके साथ घुल मिल सकते हैं फोटो खिंचा सकते ओ, कितनी खूबसूरत तस्वीर है मैं दर्शकों को ये जरूर जोड़ देती हूँ आपके व्यक्तित्व के साथ कि ये महिला एकल यात्री तो है ही पर्यटन विशेषज्ञ तो है ही इसके अलावा ये बहुत अच्छी फोटोग्राफर है यानी ये ट्रैवलर फोटोग्राफर भी <laughs> है ये जो तस्वीर है अगर मैं गलत नहीं तो आप ही के कैमरे के द्वारा ली गई है जी क्योंकि आपने कहा कि मेरी तस्वीरें दिखानी <laughs> है इसलिए मेरे साथ तो हमेशा कोई गाइड या कोई होते हैं तो उनके द्वारा ली गई है लेकिन हाँ अगर आपको संस्कृतियों को कैप्चर करना है डॉक्यूमेंटेशन भी करना है यात्रा का कोई एक वो होना चाहिए कि हाँ। इसलिए फोटोग्राफी जरूरी है ये जो आप क्या? अभी देख रहे थे, ये पन्ना हाँ। टाइगर दिमाग में कैसे था? आपको लगा था कि जंगल क्योंकि जब हम लोग आम जन जब जंगल के बारे में सुनते हैं जंगल वन कानन इतने हमने तो सिर्फ पर्याय वाची में सीखा था पर यह कभी कल्पना नहीं की थी कि एक मनुष्य प्रकृति को भी गढ़ सकता है यानी जंगल बना सकता है तो बेसिकली ना इसकी शुरुआत जापान में हुई आ, एक बहुत ही शानदार व्यक्ति है अकीरा मियावा की हाँ. अकीरा लगभग अस्सी वर्ष के हैं और अब तक कुछ नब्बे करोड़ पेड़ लगा चुके हैं हाँ. तो अकीरा की कहानी से इंस्पायर्ड हमारा मियावा की फॉरेस्ट है इसका हाँ. हमने अब इंडियनाइजेशन कर दिया है हाँ. क्योंकि वो टेक्निक जापानी थी हाँ. तो उसके अंदर जो जो सब्सटेंस और जो जो मटेरियल यूज होता था वो Uh, हमने उसको भारत के परिवेश में थोड़ा सा उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए हाँ। जो जिससे हमें बड़ी सफलता मिली आपको मैं जो इस uh, पूरे जंगल निर्माण की कुछ uh, अनोखी बातें बताऊंगा वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे मैं आई एम श्योर अबाउट इट तो दिल्कुल, दिल्कुल। uh, जंगल निर्माण uh, शुरू हुआ 2006 से हमने छोटा सा एक लैंड पॉकेट देखा उस लैंड पॉकेट पे uh, हमारे एक मित्र हैं मनीष पांडे मैं और मनीष बचपन uh के दोस्त हैं मनीष ने और हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस जगह एक छोटा सा फॉरेस्ट तैयार करते हैं ठीक है वो छोटा फॉरेस्ट तैयार करने के लिए चुनौतियाँ हम लोगों के ऊपर नहीं थी क्योंकि हम दोनों आ, अपने अलग व्यवसायों में बड़े सक्सेसफुल रहे हैं जी। तो फंड्स की हमें कभी कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं लगी हम दोनों ने हमारे पर्सनल फंड से एक छोटा फॉरेस्ट तैयार किया हाँ। वो फॉरेस्ट लगभग दो वर्षों में ही जंगल का रूप ले चुका था हर फॉरेस्ट इससे हम और मोटिवेट हुए हमने धीरे धीरे अपनी टेक्निक्स चेंज की और भारत में जंगल तैयार करने के लिए अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर जगह कम होती है हाँ। गाँव में या ग्रामीण इलाकों में तो जगह बहुत है वहाँ पर आपको जगह के लिए परेशान नहीं होना पड़ता लेकिन जब आप बॉम्बे की बात करें दिल्ली की बात करें या किसी भी मेट्रो की बात करें या किसी कैपिटल शहर की बात करें हाँ। तो आपको शहर के अंदर जगह मिलना बड़ा बड़ा चैलेंज है तो अर्बन फॉरेस्ट इसको इसीलिए कहा जाता है कि शहर के भीतर जहाँ कम जगह है वहाँ पर ऐसा छोटा सा जंगल नुमा इलाका तैयार हो जाए हाँ। जिससे पूरी की पूरी प्रकृति का एक सिस्टम तैयार होकर और चलता रहे हाँ। मतलब आप इस बात को जरूर सोचें कि जब हम जंगल की बात करते हैं तो जंगल में क्या क्या होता है जी, जंगल में जी सोचने जी, की आप जी, बात कर रहे थे ना एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ देखते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है आपसे या जी से सवाल रखने के लिए नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी फोन स्वरूप जंगल हमारे खत्म हो रहे हैं पानी हमारा दूषित हो रहा है हमारी जमीन में कम पड़ तो रही हमारी हाँ। तो दशा ऐसी ऐसी में जो फसा था वायु अच्छी अच्छा था प्रकार ऐसी आज के परिवेश में जो दिनचर्या बदल चुकी है हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व जी तन्म जी आप समझ गए होंगे बदलती हुई दिनचर्या के साथ फिर से उसी हरियाली को वापस लाना जो पुराने दौर में हुआ करती थी तो ये आपका जो सवाल है ना ये बड़ा सवाल नहीं आपकी जो बात है ये बड़ी सुंदर बात है इस बात का सलूशन, इस बात का जो समाधान है वह वही हम कर रहे हैं हमारे छोटे जंगल के भीतर लगभग बाहर से तापमान सात से आठ डिग्री कम होता है अगर आप हिंदुस्तान में किस इलाके में हैं अगर आप मुझे बताएंगे और उस इलाके में हमारे द्वारा जो जंगल तैयार किया गया होगा मैं आपको ज़रूर न्यौता दूंगा कि आप उस जंगल का एक भ्रमण करें इन जंगलों में छोटी छोटी पगडंडियाँ हम बनाते हैं हाँ। ताकि आप उसके भीतर प्रवेश कर सकें हाँ। और उस पगडंडी पर ही सिर्फ पेड़ नहीं होते बाकी पूरा आप आपके चारों ओर पेड़ ही पेड़ होंगे पर भीषण गर्मी मतलब अभी हम मई माह में हैं और आप मान के चलिए पैंतालीस सैंतालीस अड़तालीस डिग्री तापमान भी कई इलाकों का है और हमारे इस तापमान के बीच में अगर आप हमारे जंगल में भरी दोपहरी में एंटर करते हैं तो लगभग दस डिग्री का फर्क होता है अरे वाह और जैसे आपने बताया कि पानी और पर्यावरण दोनों के जो आपने एक और जो बात कही जिस जगह ये जंगल तैयार होता है उस उस इलाके में लगभग पाँच किलोमीटर के क्षेत्र तक को भी हमारे जंगल अंडर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं ये हाँ। एक ओपन होल होता है पॉट होल होता है जिससे बरसात का पानी धरती के भीतर समाता है आप यह एक और चीज़ आ, आ, सोचने की है कि हाँ। जिस इलाके में हमने जंगल तैयार किया ये भोपाल का ही भोपाल एम्स जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो अस्पताल है भोपाल जी, एम्स जी. उसमें हमने एक जंगल तैयार किया सन 2020 में लगभग उसके पहले ये होता था कि एम्स के एम्स के परिसर में जो डॉक्टरों का घर है या जो निवास है उस उनमें बड़ी समस्या होती थी कि उनके यहाँ सांप बड़े निकलते थे तो एक बात आई है वाली कि भैया जब यहाँ पे जंगल हो जाएगा तो सांप और बढ़ जाएंगे हाँ. सांप और निकलने लगेंगे हाँ. और इस बात को मैं उन लोगों को समझा नहीं पाया कि आप जो कह रहे हैं वो बात तो सही है सांप तो हो जाएंगे हाँ. पर जवाब हमारे जंगलों ने दिया हमने नहीं दिया जवाब हाँ. ये दिया गया हाँ. कि जंगल निर्माण होने के बाद लोगों के घरों में से सांप निकलना बंद हो गए क्यों बंद, बंद हो गए जस्ट विपरीत क्यों बंद हो गए क्योंकि जब उसको अपना इलाका जहां पर उसको फूड मिल रहा है शेल्टर मिल रहा है शेडो मिल रही है नमी मिल रही है खाना पानी सब मिल रहा है तो वो उसको छोड़कर आपके घरों में क्यों जाएगा ये एक बहुत ही सिंपल सा समाधान था जिन इलाकों में सांप थे हाँ। उन इलाकों में जहाँ जंगल बने कंक्रीट का जंगल आपने बनाया हम दूसरे जंगल तैयार कर रहे हैं जिसमें हाँ। कंक्रीट का नाम और निशान नहीं होता है हाँ। तो मधुमक्खी का छत्ता भी आपको हमारे जंगल में मिलेगा चिड़िया का घोंसला भी मिलेगा सांप भी मिलेगा बिच्छू भी मिलेगा और ये अपने इलाकों में यह आपको परेशान करने के लिए नहीं होते हैं ये इनको जैसे ही आपने अपनी स्पेस दी आपने अभी इनकी जगहों पर घर बना दिए आपने खेती की जमीनों पर कॉलोनीज बना दी हमारा विकल्प यह कहता है कि अगर आप उन कॉलोनीज के आसपास जंगल छोटे छोटे पॉकेट्स में जंगल निर्माण कर देते हैं अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण कर देते हैं हाँ। तो आपके इलाके की सारे वन्य प्राणी अपने इलाके में फिर से वापस पहुंच जाएंगे सुरक्षित भी रहेंगे हाँ। और ह्यूमन इंटरेक्शन उनका जितना कम होगा जितना उनका मानव से इंटरेक्शन कम होगा उतनी हाँ। हाँ। आपको समस्या नहीं होगी घर तो आपने उजाड़े हैं इन्होंने तो उजाड़े नहीं है चिड़िया का घोसला आपने चिड़िया का पेड़ काट दिया परसों की बात है हमारे घर पे एक बच्चे द्वारा अपने पापा को ये कहा जा रहा था कि हाँ। आपने जो ये नारियल का पेड़ कटवाया ये हर तीन महीने में हमें कम से कम पचास नारियल देता था और वो पेड़ कटवा दिया गया और उस ने बच्चे ने अपने पापा से कहा कि आपने हाँ। पेड़ क्यों कटवा दिया हाँ। और बहुत ही सिंपल सी बात जो बच्चों को समझ में आती है वो बड़े लोगों को नहीं समझ में आती लोग अपने घरों के बाहर के पेड़ कटवा देते हैं पार्किंग की जगह बनाने के लिए या अपना एरिया बड़ा करने के लिए कोर्स को सही करने के लिए हम आए दिन ऐसी समस्याओं को देखते हैं हाँ। और हम ऐसे लोगों से निवेदन करते हैं मैं जरूर लूंगी कि अब जी। तक कितने हम जंगल तैयार कर चुके हाँ हाँ हैं हाँ लेकिन नम्रता से भी मुझे सवाल करने हैं बहुत सारे नम्रता जहाँ डॉक्टर इंजीनियर इस तरह की डिग्री की बात की जाती है और माता पिता चाहते हैं कि बेटी आत्मनिर्भर बन जाए जब उनको ये पता चला क्योंकि ऐसा है कि कोई ठिया ठिकाना ही नहीं है आपका मतलब एक पैर कहते हैं इस तरफ है तो दूसरा पैर कहीं भी अब ऐसी जगह में एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि विवाह के बाद क्योंकि अभी तो विवाह हुआ नहीं विवाह के बाद ये कंटिन्यू आप अपना पैशन प्रोफेशन के साथ में जारी रख पाएंगी कि नहीं ये सवाल से आप जूझती हैं आज आ, आ, आप क्योंकि आप <laughs> <कुण> महिला है <laughs> हाँ ये सवाल लोगों का होता है आज नहीं आ, सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब मैंने मैं जिस समय हम ट्वेल्थ करे थे बारहवीं करे थे हाँ। एक पूरा धूम मची हुई थी इंजीनियर बनने की कि हाँ। हम मध्य प्रदेश में आप जानते हैं मेरे सारे दोस्त पी एम टी पी टी इसी में थे और वो मुझे बहुत ऐसे भेदभाव की नजरों से देखते थे कि तुम्हारा तो कोई भविष्य ही नहीं है आपने शायद कोई गलत विषय चुन लिया और शायद इसको किसी ने बताया नहीं है कि नहीं गणित पढ़ना होता है पर्यटन नहीं होता है तो मेरी हाँ तो जो संघर्ष रहा है वो यात्राओं से ज्यादा अपनी संगतियों के बीच ज्यादा रहा है हाँ। बताने के लिए आ, बस ये कृपा रही कि मुझे परिवार को नहीं इसके लिए ज्यादा जूझना पड़ा बताने के लिए कि क्या होता है कैसे क्योंकि हाँ। तब इतना नहीं था जितना आज आप पर्यटन देख रहे हैं हाँ। उस तब वो ये स्थिति नहीं थी अः जैसे कि शादी का सवाल है तो वो लोग पूछते हैं लेकिन अब समझ गए कि अब महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं और आजकल तो सब हम लोग बैकपैकर्स बॉयज भी बहुत बैक मतलब ये कहा जाए कि यू नेवर नो कि एक डॉक्टर की शादी जब डॉक्टर से होती है इंजीनियर की शादी इंजीनियर से होती है तो सोलो ट्रैवलर की शादी ऐसे पार्टनर से कि वो सोलो नहीं फिर मुझे लगता कपल ट्रैवलर हो जाएगी नया आ, है। उद्देश्य <laughs> नहीं भटकना चाहिए यात्राओं का जैसे कि और अभी आप जैसे कि पर्यावरण की बात हा, है। हा, तो अगर देखा जाए तो पर्यावरण और पर्यटन दोनों बहुत विरोधाभास है अति पर्यटन हमेशा से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है हाँ। लेकिन इस साल भारत सरकार हाँ। सस्टेनेबल टूरिज्म पे ही काम कर रही है जितना काम कर रही है।, है जितने भी अवार्ड्स हैं जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पे ही काम करे हाँ। तो जैसे अगर सर ने जंगल की बात करी और आपके मन में ख्याल आ रहा है कि भाई जंगलों में घूमना है हाँ तो हाँ। सस्टेनेबल टूरिज्म के बहुत सारे विकल्प देश में मौजूद है आप मट्टी के घर में रह सकते हैं आप जंगलों में कैंपिंग कर सकते हैं या वहाँ पे समय बिता सकते हैं बस्तर जैसा क्षेत्र है जो मैं अभी अकेले यात्रा करके लौटी वहाँ के सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोजेक्ट को भी फर्स्ट अवार्ड मिला है क्या बात है उनके जंगल हाँ। तो बहुत ही खूबसूरत हैं बिल्कुल वहां तक अभी तक इतना विकास नहीं पहुँचा है तो आप ग्रामीण आपको खाना बनाकर खिलाते हाँ। हैं और कोई प्लेट कप कटोरी का बिल्कुल नहीं वो दोने में खिलाते हैं आपको वैसे ही परोसते हैं जैसे वो खाते हैं हाँ। और आप उनका वहां पे रह के आनंद ले सकते हैं दूसरी एक महत्वपूर्ण बात सर कह रहे थे कि मधुमक्खी हाँ। को लेके जो कह रहे हैं हाँ, हाँ। तो मधुमक्खियों के पालन को लेके गार्डन बनाया वेस्ट बंगाल में जिसको अभी हाल ही में अवार्ड मिला है वो पर्यटन के क्षेत्र में ही उसे बनाया गया है ऐसा कि लोग आए मधुमक्खी के महत्व को समझे उसके पालन को देखें देखेंगे तभी तो बच्चे समझेंगे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जंगल विशेषज्ञ भी होना जरूरी था बहुत खूबसूरत मौका है ये दोनों से चर्चा करने का और पर्यटन विशेषज्ञ का भी होना जरूरी था दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं की मन कर रहा है कि ये इन्होंने जो जंगल बनाए हैं उसका भ्रमण करने चले जाए या फिर इनके साथ नम्रता के साथ बैकपैक पैक किया जाए और देखा जाए कि वो कितनी संस्कृतियों से अभी तक रूबरू हो चुकी हैं मैं मध्य प्रदेश की बॉर्डर की बात करूँ या छत्तीसगढ़ की बॉर्डर की बात करूँ या फिर उस जगह की बात करूँ जहाँ वो कोरोना काल में फंस गई थी और आने का कोई ठिकाना नहीं था लेकिन वहाँ जो उनको अनुभव हुआ वो वो सबसे ही शेयर करती हैं क्या था वो नम्रता आप थोड़ा बताना आ, चाहेंगे को, कोविड का फर्स्ट जब वेव खत्म हाँ। हो गया हम नॉर्मल होने की स्थिति में आ गए थे और क्योंकि यात्री हो तो एक जगह बैठना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है हाँ। तो मैंने कभी द्वीप पे यात्रा नहीं की थी हाँ। अकेले तो मुझे वो अनुभव लेना था इसलिए मैंने अंडमान निकोबार को चुना कि मैं वहाँ के द्वीपों पे जाना चाहती हूँ तो जब आप एक पर्यटक के रूप में जाते हैं तो दो द्वीप जो मुख्य है नील आइलैंड वहाँ आप आराम से यात्रा कर सकते हैं हाँ क्योंकि मैं घुमाकूं मुझे थोड़ा और आगे जाना था मुझे इंदिरा पॉइंट तक की यात्रा करनी थी हाँ निकोबार जो हमारे भारत के मैप में आप देखेंगे तो सबसे आखिरी पॉइंट है हाँ तो उसके लिए जो मैंने अनुमतियाँ ली और जब वहाँ तक मैं पहुंची हाँ और क्योंकि बाहर एक और नई वेव आ चुकी थी तो उसके लिए उन्होंने शिप का ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया हाँ तो जिस दीप पे थी वो जो दीप था, वो जो था सुनामी का एपिक था। और वहाँ पे मुझे लगा एक वीक में शिप आ जाएगी लेकिन हाँ। वो शिप आने में लगभग पंद्रह दिन से ज्यादा लग गए हाँ। और मैं एक शुद्ध शाकाहारी हूँ <laughs> वहाँ वो अंडमान पोर्ट ब्लेयर से भी काफी सुदूर इलाका है निकोबार ग्रेट निकोबार बहुत दूर के इलाके हाँ, तो वहाँ सिर्फ एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट था उस गांव में जहाँ पे साउथ हाँ। इंडियन कुछ बनता था सुबह हाँ। में ये तस्वीर कहाँ की होगी मैं बीच में आपसे पूछती भी चली जाऊंगी ये ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये अरुणाचल प्रदेश में मैं हाल <laughs> ही में लौटी हूँ ये हमारा इंडो चाइना हाँ। 1962 वर्ल्ड वॉर के सॉरी वॉर का ये मेमोरियल है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये वॉलोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बहुत ही खूबसूरत है तस्वीरों में यादें लेकर आ जाती है साथ में मैं चाहूंगी उस बात को हम खत्म कर देते हैं संक्षिप्त में जी बिल्कुल तो तो कहने का मतलब जब ग्रामीणों को पता चलता है वहाँ पे कि आंटी सामने रहती थी उन्हें पता चला कि बिटिया रह रही है तो उन्होंने हाँ। घर पे निमंत्रण दिया आप यहाँ रहिए आप यहाँ भोजन कीजिए तो लोग बहुत मदद भी करते हैं ये आप देख रहे हैं ये ये ईस्टर्न मोस्ट रोड है अच्छा भारत का मतलब ये पूर्वी छोर है और अंतिम सड़क है ये क्या बात है इसके बाद हम चाइना की बॉर्डर यहां से मतलब जो लोग वहाँ वहाँ नहीं जा पा रहे हैं मेरी तरह वो इन तस्वीरों के जरिए भी घूम रहे होंगे। सबसे अच्छी हाँ। बात है कि आप देखेंगे भारत सरकार ने अभी वाइब्रेंट विलेज योजना जो शुरू की है इन्हीं हाँ। गांव में आजादी के इतने सालों बाद हम इन क्षेत्रों में सड़कें आई हैं अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एयरपोर्ट आया है तो

देश का तीसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित वन हाँ। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट पर तैयार हो रहा है क्या बात जो हम पिछले साल मई तीस मई से हमने काम शुरू किया था हाँ। लगभग दो लाख पेड़ों का जंगल होगा ये जिसमें माननीय हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी 19 फरवरी को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए और उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ एक एक पौधा लगाया अः ये देश का तीसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित वन होगा मतलब भोपाल वासियों को अच्छा लगेगा भोपाल वासियों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है ये इस इस पूरे जंगल की खासियत ये है कि ये सरकार की मदद से तो बन रहा है मतलब हाँ। इसमें सरकार का योगदान ये है कि हमने सरकार से परमिशन ली वहाँ पर ग्रीन लैंड तैयार करने के लिए आ, नगर निगम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जिला प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है पर इसमें योगदान है हर भोपाल वासी का और बहुत सारे देशवासियों का भी हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम एक फाउंडेशन है राम आस्था मिशन फाउंडेशन है सेक्शन एट कंपनी है हम आ, हम इस इस पूरे प्रोसेस की हम इस पूरे सिस्टम में हाँ। आपकी सहायता से ये जंगल तैयार करते हैं दो रुपये अस्सी पैसा प्रति पेड़ प्रति दिन का एक खर्च होता है एक पेड़ के ऊपर अच्छा। जंगल लगाना आ, एक टफ टास्क है हाँ। और हर दिन उसको एक छोटी सी केयर की आवश्यकता होती है और डीवीडिंग करनी होती है पानी देना होता है मवेशियों से बचाना होता है हाँ। तब वो सर्वाइव करता है सर्वाइवल एक बार हो गया फिर जंगल बन गया उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता अच्छा। तो आ, सब लोग पूरा देश हमें इस आ, आ, राम वन के लिए सपोर्ट कर रहा है और है? धीरे धीरे ये वन तैयार होता जा रहा है जिस भूमि पर घास का एक तिनका कभी नहीं होगा हमने जब उस लैंड को लिया था और मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करूंगा आगे जिस लैंड पे एक तिनका घास का नहीं होगा कभी उस जगह पर जंगल निर्माण हो रहा है और पूरा ऑर्गेनिक हो रहा है हाँ। आप इमेजिन करिए कि भोपाल का हर तरह का ग्रीन वेस्ट हाँ। सब्ज़ी मंडियों से निकलने वाला घरों से निकलने वाला वो ग्रीन वेस्ट हम यूज़ करते हैं आपको एक और चीज़ जानकर बड़ा अचंभा होगा जी। जो हमारे सेप्टिक टैंक होते हैं उसका जो स्लज होता है हाँ। वो इन जंगलों की खाद है हाँ। तो भोपाल नगर निगम हमें हमारे इस रामवन के लिए एस जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जो स्लज है जो स्लज को हम स्लज ही कहेंगे हाँ। आ, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे इन जंगलों के लिए इन पौधों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो हमें मिलते हैं अलग अलग गौशालाओं से हमारे पास खाद आती है जी। भूसा इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो एक बड़ी समस्या आपने देखी होगी जब आ, किसान की फसल तैयार हो जाती है जब वो कटती है तो एक पराली बचती है खेत में जिसको लोग जला देते हैं उसका बड़ा नुकसान होता है पर्यावरण को नरवई भी नरवई भी पिराी भी तो नरवई को जलाने को ना जलाया जाए उस कारण से हम नरवई भी खरीदते हैं हाँ। और इस जंगल की वो खाद बनता है अच्छा। तो दोनों काम हो जाते हैं हमारी नरवई किसान से हमें मिल जाती है हाँ। जिसका उसे एक छोटा सा शुल्क मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन का पर्यावरण को एक सपोर्ट हो जाता है कि वो जलती नहीं है हाँ। आ, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उन इलाकों का और हम उसको खाद में प्रयोग कर लेते हैं तो वो रिच है बहुत सारे न्यूट्रिय हैं उसके अंदर तो ऐसे करके हम इसका बड़ा इंड वर्जन हमने तैयार किया है इस जंगल को बनाने का आप एक और चीज सुनकर अचंभित होंगे भोपाल में लगभग पांच विश्राम घाट हैं जहाँ पर अलग अलग जगहों से दाह संस्कार होने के लिए बॉडीज आती हैं हाँ, हाँ, हाँ। उन सभी विश्राम घाटों की जो राख है जी। वो इस जंगल में मिट्टी के साथ मिलाई जाती है वो फॉस्फोरस का एक बड़ा सोर्स है तो इतना सुंदर सिस्टम है ये पूरा सस्टेनेबल फॉरेस्ट है ये ये आप मैं ऐसा कह सकती हूँ मुझे वो मौका मिल रहा है बोलने का कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बिल्कुल, बिल्कुल सार्थक हो जाती है वो चीज़ मतलब आप कर रहे हैं दरअसल वो चीज को तो। आप ही लोगों का सहयोग है और जैसे भदभदा विश्राम घाट हाँ, पे हमने हाँ। एक स्मृति वन तैयार किया राम वन तैयार किया वो स्मृति वन में हमने ये एक डेढ़ साल पहले हमने बनाया था अब आप उसको भदभदा विश्राम घाट पे जो राम वन को देखेंगे तो आप उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे जो पगडंडी है सिर्फ उस पर चल सकते हैं हाँ। पर मात्र एक वर्ष में ही वो जगह पूरा जंगल बन गई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन वहाँ पर आकर अपना एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया था उनकी धर्मपत्नी श्री श्रीमती साधना सिंह जी ने अपना विद्या का एक पौधा और बील का एक बील पत्र का एक पेड़ लगाया हाँ, था वो पेड़ अब पेड़ बन गए हैं वो पौधे अब पेड़ बन गए हैं। बन अभी मतलब एक ही साल में हाँ। और हमें बताकर बड़ी खुशी होती है कि आपके सहयोग से ये जो जंगल तैयार हुए इसमें लाखों पक्षी रह रहे हैं हजारों की तादाद में चिड़ियाएं वहां पर घोसला बनाती हैं हर साल उनके घोसले में से चोटे -चोटे तो मैं मैं छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। एक छोटा सा सवाल जोड़ देती ठंड जो है, जो है, 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 -गर्मी, गर्मी है तो तेज ठंड है, है, तो है ये जो अभी आप काम कर रहे है इससे क्या परिवर्तन देखने को मिला है कुछ ऐसा तथ्यों में या आंकड़ों में या डेटा में ऐसा कुछ है देखिए प्रकृति को हम जितना समझ सकते हैं जितना उसके करीब जा सकते हैं हम बिल्कुल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रकृति एक बहुत बड़ा रहस्य है उसका इम्बैलेंस जहाँ जहाँ हो रहा है जिस लेवल पे हो रहा है जिस हाँ। तरह से हम उसका विनाश कर रहे हैं उस विनाश की प्रक्रिया में ये छोटे छोटे बदलाव जो हमको देखने को मिल रहे हैं प्रकृति के सिर्फ छोटे छोटे संकेत हैं मेरे द्वारा अब तक जो 916 जंगल बनाए गए मेरे नहीं सॉरी हम सबके द्वारा मिलकर रामास्था मिशन ने जो इतने सारे रामवन तैयार किए उनका थोड़ा ही सहयोग मिल रहा होगा पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ लगाए ना लगाए पर एक पेड़ को पाल ले तो था? पालना बड़ी बात है मतलब उसको लगभग हर दिन पानी देना ऐसा है। एक ट्रेंड आना चाहिए ना तनम जी जैसे अभी तो ये वाला ट्रेंड तो चल ही रहा है कि तोहफे में हम एक पौधा देना शुरू कर दे या हम कोई इवेंट करते हैं तो अतिथियों का स्वागत हम पौधा जो प्लांट होता है उससे कर देते हैं ना गमले के साथ कर देते हैं मुझे ऐसा लगता है की ये जो पालने वाली बात अभी आपने कही है ना तो जब हम पैट्स पालने लग गए हैं जो हमारे घर की शोभा भी बढ़ाते हैं और अच्छा भी लगता है पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो शायद हम पौधों को भी पालने लग गए ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है मुझे आते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ। आ, मैं नाम नहीं ले सकता पर बहुत हाँ। एक होटेल है जिसका दिन का किराया हाँ। प्रवेश करते हैं आपका बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होता है हाँ। एसी चल रहा है बिजली चल रही है फूड है हाँ। आप रह रहे हैं धुलता है कपड़े धुलते हैं हमने उनसे निवेदन किया चेक इन हो चेकआउट हो आप उस व्यक्ति के नाम का एक पौधा हमारे रामवन में लगा दीजिए और उस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट हमारी तरफ से दिलवा दीजिए कि जब आप यहाँ पे चेक इन कर रहे थे तब ही आपके नाम का एक पौधा यहाँ लगा दिया गया हाँ। और ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है ये ये चल पड़ा हमने कुछ हॉस्पिटल से निवेदन किया आपके यहाँ सौ बेड हाँ। का अस्पताल है एक हाँ। अस्पताल में एक मरीज सही होकर जाए और आप उसके नाम का एक पौधा लगा दें और उस पौधे की देखभाल करने के लिए हमारी पूरी टीम हम लगभग लग लग डेढ़ सौ लोगों की टीम तैयार है हमारे पास। हमने समर्पित कर दिया दरअसल वो वो आपको बिल्कुल आप वो, उसकी की जिम्मेदारी हाँ, आप आपके पास वक्त नहीं है देखिए हमारे पास कॉर्पोरेट लाइफ है आपके दफ्तर हैं कॉलेज हैं स्कूल हैं अगर आप आप अपनी जिम्मेदारी ऐसे पूरी करना चाहते हैं कि आपने आप आए आपने एक पेड़ लगा दिया और चले गए पर उसका क्या होता है कल कौन उसकी देखरेख करेगा इसका कोई सिस्टम नहीं था हमने वो सिस्टम तैयार किया कि आप पेड़ लगा दीजिए उसकी हाँ। पूरी जिंदगी भर की देखरेख हम करेंगे जी बता दें क्या दर्शकों को अगर ऐसा कर सके सोच कर भी देखिए और करके देखिए ऐसा अच्छा, हुआ ऐसा हुआ ऐसा हो रहा है हाँ। अभी आ, ग्लोबल समिट और आ, जो हमारा राष्ट्रीय प्रवासी, प्रवासी दिवस जो मनाया गया तो इंदौर में हमने एक नमो ग्लोबल गार्डन तैयार किया हाँ। नमो ग्लोबल गार्डन हमने करीब हाँ। दिनों में तैयार किया जिसमें सभी प्रवासी भारतीयों ने अपना अपना एक पौधा लगाया हाँ। उस हर व्यक्ति ने उस पौधे का सपोर्ट किया हाँ। हर व्यक्ति जो प्रवासी भारतीय हाँ। हाँ। तो कुछ चीजें आपकी भी रिकॉर्ड हाँ। होती चली जा रही होंगी इतनी सारी क्योंकि हम संस्कृति से मिलो हम विषय ही ऐसा रखा है तो अब कैसा रहा आपका अनुभव कहाँ कहाँ आप गए अभी तक कहाँ भ्रमण कर चुके हैं किस तरह के अनुभव हुए कभी खट्टे भी हुए होंगे तो कभी मीठे अनुभव भी होंगे कुछ शेयर कीजिए ना दर्शकों के साथ बिल्कुल और आपने विषय इतना अच्छा सर को बिठाया कि वो जैसे जंगल लुप्त हो रहे हैं Uh, एक ही बहुत दुखद हो रहा है कि जिस तरह तो हम अर्बनाइजेशन में जा रहे हैं संस्कृतियाँ भी विलुप्त हो रही हैं hmm. जो नई जनरेशन है वो एक मजबूरी है कि मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं वो नई शिक्षा उनकी उनका भी हक है लेकिन वो धीरे धीरे हम उन संस्कृतियों से दूर होते जा रहे हैं मैं आपको एक hmm. छोटा सा उदाहरण देती हूँ हाँ. कि आजकल जब हम शादियों में जाते हैं तो हाँ. सब रिसेप्शन में जा रहे हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था कभी कोई हम मराठी की शादी में जा रहे हैं कभी हमारे गुजराती दोस्त यहाँ जा रहे हैं तो हम संस्कृतियों से जुड़े रहते थे तो अब क्या हो रहा है कि हमें उन संस्कृतियों को देखने जाना पड़ेगा अगर हम देखने जाएंगे तो उनको एक रोजगार मिलेगा तो वो लोग अपनी संस्कृतियों से जुड़े रहेंगे हम मैं जिस सभी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ वो कल्चर टूरिज्म पे ही है हाँ। कि वो उनकी संस्कृतियों से जुड़े हाँ। रहें हम वहाँ जाएंगे उनकी संस्कृति को देखेंगे तो उन्हें पलायन नहीं करना होगा आ, किसी और शहर जाने के लिए हम उन्हें रोजगार भी देंगे जी, तो मेरा जो उद्देश्य है वो संस्कृतियों को देखने का यही है कि हा, हा, आप मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए हमारे पास बहुत सारे धरोहरे हैं लेकिन हम संस्कृतियों को कम देख पाते हैं हम आदिवासी क्षेत्र है लेकिन हा, हा, हम ज्यादातर मंचों पे ही उनकी संस्कृतियां देख पाते कोई सांस्कृतिक कार्य कार्यक्रम होगा तो हम लोक नृत्य देख लेते हैं फोटो खींच लेते हैं हम कभी नहीं सोचते कि उनके साथ रहे वो कैसा भोजन करते हैं उनकी शादियां कैसे होती है तो जैसे आप अभी पूछ रहे हैं कि कैसे अनुभव रहे अनुभव बहुत अच्छे होते हैं और अनुभव बहुत सारे भी होते हैं अब उन सारे, सारे अनुभव के लिए थोड़ा सा समय चाहिए पड़ेगा मुझे आपका आ। लेकिन आप भी तक घुमा रही थी हमारे दर्शकों को मैं आपको घुमाने के लिए चलती हूँ कहाँ चलेंगी उज्जैन चले जी बिल्कुल उज्जैन क्यूँकी अभी महाकाल लोक के लिए इतना फेमस हुआ जा रहा है काल भैरव का मंदिर भी है वहाँ प्रसिद्ध तो चलिए हम आप मिलकर घूम आते हैं उज्जैन काल भैरव जी के दर्शनों के लिए गांव देहात के लोगों का अनगढ़ विश्वास उन्हें मुक्ति दिलाने काल भैरव की शरण में ले आता है वहीं सात समुंदर पार के लोग जिज्ञासा में बंधे काल भैरव के दरबार में हाजरी लगा जाते हैं ये भी सच है कि संसार भर से लोग आते तो जिज्ञासा के साथ हैं लेकिन लौटते हैं अगर आज श्रद्धा से भरकर कर उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन होता है चमत्कार आंखों के सामने चमत्कार हर कष्ट को हर पीड़ा को खुद पर लेकर भक्तों को भयमुक्त करने वाले हैं भोलेनाथ पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए फिर उन्होंने ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया बल्कि भक्तों की बुराइयों को उनसे खत्म कर स्वयं के भीतर इन बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे वो भी साक्षात सबके सामने जी हां यहां हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके महाकाल की इस नगरी के पांव पखारती पवित्र क्षिप्रा नदी जिसे मोक्षदाय क्षिप्रा भी कहा जाता है धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता है और जहाँ के कणकण में महाकाल यानी शिव का वास है शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ स्वयं काल भैरव होते हैं साक्षात दर्शन भक्तों के लिए भक्ति आस्था और आराधना की वो मंजिल जहाँ सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास कराती है जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहां होने वाले मदिरा चमत्कार का साक्षी बनने का उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तश्तरी में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार इसे देखकर भी यकीन करना एक बार को मुश्किल हो जाता है क्योंकि मदिरा से भरी हुई तश्तरी पल भर में खाली हो जाती है यूं तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है लेकिन काल भैरव अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है, वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त की तकलीफ बाबा दूर करते हैं। कैसा लगा आपको जैन घूमकर? अच्छा लगा ना जो लोग नहीं गए होंगे वो जाने की शायद तैयारी करेंगे हालांकि भीषण गर्मी है थोड़ा सा सावधानियों के साथ जाया जा सकता है क्योंकि घूमने वाले घूमना बंद कभी नहीं करते और ये सीखना है तो नम्रता से सीखना पड़ेगा नम्रता एक चीज़ ज़रूर मैं पहले आपसे पूछ लेती हूँ ठंड हो बारिश हो कैसा भी मौसम हो जैसे मैंने अभी कहा ना है घूमने वाले घूमना बंद नहीं करते जाना है तो जाना है क्या व्यक्तित्व में परिवर्तन आया शिकायतें कम होने लग गई नाराजगी कम होने लग गई व्यवहार बदल गया छोटी छोटी चीजें परेशान करना बंद कर चुकी थी क्या परिवर्तन देखा आपने अपने व्यक्तित्व में जैसे कि आपने पहले शुरुआत में मुझसे बोला कि आपको डर नहीं लगता या कितने साल हो गए तो मुझे बहुत साल हो गए और लगातार तो मुझे लगभग आठ साल से तो मैं रुकी ही नहीं हूँ ऊपर वाले की कृपा से हाँ। तो नहीं बहुत चेंज आता है हाँ। बहुत चेंज आता है आपका सब कुछ देखने का नजरिया ही बदल जाता है और आप बहुत कम्फर्टेबल हो जाते हो खुद के साथ खुद की कमियों के साथ खुद की खामियों के साथ आपको पता चल जाता है कि आप में क्या खामियां हैं और जैसे जैसे लोग मिलते हैं और जैसे आपने कहा कि डर नहीं लगता आप यकीन मानिए लोग इतनी मदद करते हैं ना मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान का कोई दूध मिल गया हो लोग बहुत मदद करते हैं और सबसे ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा आप हमारे से घूमने आए हमारे देखने आए तो बहुत प्रत्येक में चेंज ये आता है कि एक तो आप सब्र करना सीख जाते धैर्य करना सीख जाते ट्रेन छूट गई तो आप घबराना छोड़ देते हैं कि नहीं अरे दूसरी ट्रेन है उससे चले जाएंगे तो जब हम मैं वापस लौटती हूँ सामान्य हम परिस्थितियों में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत जरूरी थी छूट गई तो घबराना छूट जाता है लोग सब्र सीख जाते अब नए नए लोगों से बातें करते हैं मिलते तो आपको अंदाजा होता नहीं, नहीं नहीं ये लोग <laughs> कई तरह के लोग हैं हमें उन्हें परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं आप सब्र रखिए आप परिस्थितियों को मतलब समझिए शायद वो भी कि कभी पेरेंट्स जो आपको अकेले जा भेजने से डरते होंगे जी। अब उन्हें भी लगता होगा जाने तो आ जाएगी वो तो वापस खुद ही लड़ने की जंग <laughs> वहाँ की जहाँ वो जा रही है आ, आप दो अलग अलग व्यक्तित्व पर लगभग एक सा लगभग एक से ट्रैक पर जा रहे हैं क्योंकि ट्रैवलिंग के शौकीन तो तन्मय जी भी रहे तन्मय जी आप भी देश के बाहर भी घूम चुके हैं आपने कहा लगभग दुनिया अगर मैं कहूँ घूम चुके होंगे तो शायद गलत नहीं होगा आपके दिल्कु मामले में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप भी शेयर कर ही दीजिए हमारे दर्शकों को ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ और मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाह रही थी कि ये दो अलग अलग लोग लेकिन आप इनके व्यक्तित्व में ठहराव देख रहे हैं डॉक्टर जब अपनी डॉक्टरी करता है उसकी पढ़ाई करता है तो वो सिर्फ अकेला डॉक्टर बनता है इंजीनियर जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो वो अकेला इंजीनियर बनता है लेकिन ये जो दो विधाएँ हमारे साथ बैठी हुई हैं ना इन्होंने एक ने देश घूम लिया है एक ने लगभग दुनिया घूम ली है इनके पास किस तरह है, के अनुभव हैं अलग अलग हर क्षेत्र के अनुभव उनके पास हैं ये दोनों सिखा रहे हैं यहाँ बैठकर धनबाद जी तो भाई मेरा ट्रैवल शुरू हुआ नाइनटीन से मैंने पढ़ाई अनफॉर्चुनेटली अपने खुद के इच्छा से छोड़ दी बचपन में बहुत पहले घर में कोई क्राइसिस नहीं थे पर मुझे पढ़ने का शौक नहीं था मुझे पढ़ना पसंद नहीं था और हमने थोड़ी बगावत कर दी घर में तो हम हमने पढ़ाई छोड़ दी पढ़ाई छोड़ी तो काम करने लग गए काम करने लग गए तो बहुत सारे तरीके के अलग अलग काम किए उस काम करते करते घूमने का मौका मिलता गया क्योंकि जहाँ जाते थे वहीं काम के सिलसिले में जाते थे तो दोस्त अपने से पंद्रह साल बीस साल तीस साल बड़ी उम्र के लोग बने तो सीखने के अवसर हर दिन हर पल मिलते गए तो आप जो बातें कर रही हैं ठहराव की संतुष्टि की वो ठहराव और संतुष्टि बचपन से ही फीड कर दिया गया मतलब ऐसा समझ में आ गया कि हम जो भी करेंगे वो कम है और जितना भी कर लेंगे वो भी संतुष्टि का एक पैमाना है तो सीखा हर हर पल सीखा जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ से सीखा जैसा कि नम्रता जी ने बताया कि अलग अलग संस्कृतियाँ हैं अलग अलग सभ्यताएँ हैं उन सभ्यताओं ने पूरा जीवन मतलब अपने आप को कर रखा हुआ है वो आज भी वैसी हैं जैसी किसी 100 200 500 साल पहले रही होंगी हाँ। हमारा आपसे अनुरोध है सभी दर्शकों से कि आप अगर वयस्क हैं तो घूमिए है। अगर आप माँ और पिता हैं तो आप अपने बच्चों को घूमने के लिए प्रेरित करिए इससे उनके जीवन में जो निर्माण होगा वो शायद आप घर में रहकर उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा कर नहीं पूरा कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति सिखाती है हम जंगलों से सीखते हैं आप धैर्य सीखना है जंगल से सीखिए आपको सहनशीलता सीखनी है जंगलों से सीखिए आपको मुझे ऐसा लगता है मैं मतलब मैं रीडर्स के खिलाफ नहीं हूँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी ये बोलकर मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी किताब नहीं पढ़ी लेकिन मैंने ज़िंदगी में घूमा इतना है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किताब लिखी जा मैं पाँच सौ किताबें लिख सकता हूँ हर एक सफ़र के ऊपर हर एक संस्कृति हर एक सभ्यता अलग है हर जगह का नेचर अलग है लोग अलग हैं उस जगह की व्यवस्थाएं अलग हैं फाइनेंसिस अलग हैं हर हर तरह मतलब अगर आप चिकित्सा की बात करें आप शिक्षा की बात करें आप हर हर डिविज़न चाहे वो कितनी भी तरह की चीज़ें हों सब कुछ अलग है ये सारी असामान्यताएँ हमें सिखाती बहुत कुछ है और इन सब में सीखने के लिए ढेर सारी वस्तुएं हैं आपने वो बात भी मुझे याद दिला दी क्योंकि आप लोग जब बात करें ना तो कई बार ना आंखों के सामने तस्वीरें चलने लगती हैं जैसी जैसी आप बात कर रहे हैं शायद उसी को मग्न होना या लगन से सुनना कहते हैं जैसे हमारे दर्शक भी इस वक्त कर रहे हैं वो भी भूल गए हैं कि उनको फ़ोन लगाना है शून्य स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर देते हैं दो एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन शून्य शून्य

अलग अलग चीजों पर लिखा तन्मय जी मैं टोक देती हूँ अभी आपने कहा था कि शिक्षा दीक्षा उतनी अच्छी नहीं थी पत्रकारिता जब पढ़ी ही नहीं तो पत्रकारिता के क्षेत्र से कैसे बहुत ही बड़ा आ, डिफरेंस है ये मैं वो भी मतलब <laughs> मैं उस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा हाँ। मैंने छः साल पढ़ाई नहीं की दस दसवीं का एग्ज़ाम दिया फिर बारहवीं का एग्ज़ाम दिया फिर मैंने बी किया फिर एल किया फिर एम किया पर ये सारी डिग्रियाँ डिग्रियों से ज़्यादा मुझे लगाव हमेशा घूमने में रहा और काम करने में रहा तो मेरा एजुकेशन मेरे काम ने पूरा किया हमेशा तो मुझे ऐसा लगा और जब मैंने दो ग्यारह या बारह का साल रहा होगा तब मैंने ऑफिशियली अपने कमर्शियल सारे कामों से रिटायरमेंट ले लिया 2015 में मैं ट्रैवल करते करते एक देश के बहुत ही बड़े अखबार समूह के लिए ट्रैवल पीस लिखने लगा फिर मैंने उनके लिए आ, फूड और फैशन और बॉलीवुड पे लिखना शुरू किया हाँ। इस कारण से भी मैं बहुत घूमा मैं अच्छा। लगभग ऐसी शायद ही कोई हस्ती होगी फिल्म की आ, सितारों की या बॉलीवुड uh, की जिनसे जिनके साथ मेरे इंटरेक्शंस नहीं होंगे इंटरव्यूज़ नहीं होंगे लेकिन हाँ। मुझे सीखने को जो मिला वो ट्रैवल से मिला और uh, जैसा कि अभी नम्रता जी भी कह रही थी कि हाँ। uh, सफ़र इतना कुछ सिखा देता है हाँ। और इतना तरह से सिखाता है कि के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बिल्कुल सही और हाँ, हाँ जी बिल्कुल मैं, मुझे नम्रता जी से भी एक सवाल रखने का मौका आपने दे दिया लेकिन उसके पहले ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं तो वाकई किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती है लेकिन तन्मय जी के मामले में मुझे <laughs> ऐसा लगता है कि अनुभव भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उन अनुभवों से बहुत सारी किताबें भी लिखी जा सकती हैं <laughs> जो कई और लोगों के लिए दोस्त बन जाएंगी नम्रता जी पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग क्योंकि अभी करियर की ही बात चल रही थी तो एक सवाल ही रख लेती हूँ कि जो लोग करियर बनाना चाहते हैं पर्यटन के क्षेत्र में युवा वर्ग के लिए मैं ये सवाल रख लेती हूँ उनकी तरफ से क्या है गाइडेंस आपकी तरफ से कहाँ कैसे क्या लेना होगी डिग्री वगैरह ये आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मुझसे लोग यही पूछते हैं और आजकल तो आप देख रहे हैं जी ट्वेंटी सबमिट हम कर रहे हैं हाँ. तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पर्यटन विशेषज्ञों की हाँ. टूरिस्ट गाइड की हमें इन्हीं लोगों की ज़रूरत है तो जो युवा अगर पर्यटन को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं आप यकीन मानिए डिप्लोमा से लेकर पी तक ये इतना बड़ा विषय है कि आप हाँ। इसको पढ़ सकते हैं इसमें ग्रेजुएशन करते हैं मास्टर्स कर सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है इसका मेन ग्वालियर सेंटर है बाकी पांच और केंद्र हैं भारत में इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर यह पढ़ाई की जा सकती है और आप छोटे कोर्सेज भी कर सकते हैं बड़े कोर्सेज कर सकते हैं बहुत लोग पूछते हैं कि उन्हें गाइड बनना है तो आप भाषाएं सीख सकते हैं बहुत सारी क्योंकि भारत ऐसा देश है कि दुनिया घूमने आती है मुझे तीन से चार भाषाएं आती है क्योंकि हमारे मास्टर्स में ये कंपल्सरी था कि अच्छा। आपको विदेशी भाषा सीखनी तो हिंदी और अंग्रेजी तो समझ हाँ। में आती अंडरस्टूड होगा वो बाकी दो मैं भाषाओं से ज्यादा बोलियों पे मैंने बहुत काम किया लेकिन अच्छा। विदेशी हमने जर्मन और फ्रेंच और चाइनीज उस टाइम हम सीख रहे थे जी लेकिन मैं बोलियां मुझे लगता है कि बोलियां भी सीखनी चाहिए क्योंकि हम महाराष्ट्र जाते हैं इन बोलियों को भी हमें वो जो पंजाब की टप्पे हैं वो बोलियों के अंतर्गत किया जाता है थोड़ा थोड़ा जानकारी मुझे भी और आप लोगों के साथ अगर आप लोगों से मिलती रहूंगी तो बहुत कुछ जानकारी मेरी भी बढ़ती चली जाएगी तन्मय जी जैसे कि ये करियर की अभी बात हुई कि पर्यटन में करियर बनाना हो तो उन्होंने बता दिया नम्रता ने कि इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं पढ़ाई में जंगल बनाने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती मुझे लगता है ये सवाल गलत ही होगा अगर मैं कहूँ <laughs> कि जंगल बनाने के लिए क्या करियर ऑप्ट किया जाए किस तरह से डिग्री ली जाए प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा सा प्रकाश देखिए ये तो सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर आपने खोल दिया आप अपने बच्चों को बागबानी सिखाइए ठीक है आप अपने बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं आप उनको स्कूल भेजते हैं कॉलेज भेजते हैं ट्यूशन भेजते हैं मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि बच्चों को बागबानी बचपन से सिखाइए अगर आपके घर में बगीचा नहीं है तो उनसे घर में छोटे चार पौधे लगवाइए गमलेल में लगवाइए उनको किसी माली के साथ उनको इंट्रैक्शन करवाइए एक डेढ़ घंटा अगर वो हफ्ते में भी किसी माली के साथ मिट्टी में खेल लिए तो वो बहुत सारी परेशानियों से भी दूर रहेंगे hmm. और एक उनका ग्रीन फिंगर डेवलप होता रहेगा ग्रीन hmm. फिंगर से मेरा मतलब है कि आपके घर में किचन गार्डन अगर लगाना होगा और आपके बच्चे अगर इस काम में आपकी हेल्प करने लग गए तो पॉजिटिविटी का एक बहुत ही बड़ा जरिया yeah. है बागबानी अच्छा दूसरा जब आप करियर की बात करते हैं तो करियर ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट पर गार्डनर्स की जरूरत तो पूरे देश को है एग्रीकल्चर की ज़रूरत पूरे देश को है जो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं जिनके ऊपर जितना शोध और जितना एक समस्या है जो कभी खत्म ना होने वाली समस्याओं पर तब्दील ना हो जाए इसके लिए बता दें कि इस वक्त एसी चल नहीं रहा है गर्मी बेहद है और इस गर्मी के दौरान भी हम चर्चा कर रहे हैं तो विशेष धन्यवाद मैं इस वक्त स्टूडियो से लाइव देना चाहूंगी नम्रता जी और तन्मय जी कि इस गर्मी के माहौल में भी आप बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए मैं ए यूज़ नहीं करता कभी मैं अच्छा। नहीं करती हूँ मैं कूलर भी और नहीं करती मैं ए सी यूज़ नहीं करता मैं नाइनटी नाइन परसेंट टाइम शावर लेते वक्त साबुनों का इस्तेमाल नहीं करता मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण के बीच में रह कर हमारे भीतर जो ये छोटे छोटे बदलाव हमने बचपन से ही देखे वो ये देखे कि हमारी आ, जितने हम केमिकल से दूर रहेंगे जितना हम इन फॉरेन बॉडी से दूर रहेंगे जितना हम अपने आप को नेचुरली ग्रो करने का मौका देंगे उतना हम बीमारियों से दूर रहते हैं तो आ, मेरा निवेदन है अपने बच्चों को भी एसी से दूर रखिए गार्डन की करीब रखिए जंगलों में उनको भेजिए जी जी जी, करने जी, जी जी बिल्कुल तनमय जी समय भागता चला जा रहा है इसलिए मैं बीच बीच में रोकऊंगी जाऊंगी। नम्रता जी क्या कहना चाहेंगी आप कुछ ऐसे सुझाव हैं कुछ ऐसी सलाह हैं कुछ संदेश मुझे ऐसा लगता थोड़ा अगर आप चाहें तो दे सकती बिल्कुल दर्शकों को जी बिल्कुल आपके द्वारा अगर गाइडेंस मिले। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भारतीय पर्यटकों के जो यात्रा का एक पैटर्न है वो बहुत दुखद है वो जो है वो लोकेशन बेस्ड ट्रैवल करते हैं यानी कि गंतव्य को माइंड में रखते हैं एक चुन कुछ तो ऐसे घिसे पिटे हो गए हैं कि उनके माइंड में वो ही आता है कि वहाँ जाना है मेरा बहुत बहुत निवेदन है विनम्र निवेदन है कि आप अपनी यात्राओं को आ, अनुभव आधारित बनाइए उसमें कोई अनुभव तो जोड़िए आपको वहाँ जाना है ठीक है आपकी पसंद का कोई गंतव्य आपने आपने सुन रखा है उस जगह का नाम आप बात कीजिए लोगों से थोड़ा तो थो ठहराव रखिए कि वहाँ की कुछ ऐसा अनुभव होना चाहिए आपके पास कि आप बता सकें आप अपनी आने वाली पीढ़ियों तक को बता सकें कि हाँ यार वो यात्रा की थी तो बहुत ही अच्छा अनुभव था तो आप लोकेशन बेस्ड के साथ साथ अनुभव बेस्ड यात्राएं कीजिए मेरा बहुत निवेदन है क्योंकि आपने आज सिक्किम राज्य की बात की है तो सर भी कह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती का जो नंबर वन स्टेट है वो सिक्किम है तो आप जगह सिक्किम घूमने जा रहे हो तो बर्फ भी देखिए बस अभी गर्मी के समय मुझे कर देनी चाहिए

इंसान को मशीन समझना बंद करो उसे मशीन की तरह हाँकना बंद करो गर्मी बहुत है शायद सुन ली होगी इशारा उसी तरफ था कुछ तो इसी के साथ नमस्कार एम ये रिपीट होगा रात में आठ बजे तो देखना ना भूलें और मुझे दीजिए यहीं इजाज़त खुश रहिए स्वस्थ रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार